अज़ीज़ तलबा तलबात, अस्सलाम अलैकुम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर प्रोग्रामों के सिलसिले के अगले प्रोग्राम में खुश आमदेद। और आज हम अपने मौजू ह्यूरिस्टिक सर्च पर ही अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में हमने ह्यूरिस्टिक सर्च पर बात करते हुए ह्यूरिस्टिक सर्च की जो पहली किस्म है बेस्ट फर्स्ट सर्च, उसकी दो किस्मों ग्रीडी सर्च और आस्टार सर्च पर मुख्तसरन बात की थी। आज के प्रोग्राम में हम आस्टार और ग्रीडी सर्च को ही थोड़ा सा मज़ीद तफसील से बयान करेंगे और उसके बाद मेमोरी बाउंडेड सर्च की दो किस्में यानी इंटरैक्टिव डीपनिंग आस्टार सर्च और SMA आस्टार सर्च पर बात करेंगे। आपको याद होगा कि हमने ब्लाइंड सर्च पर बात करते हुए यह जिक्र किया था कि ब्लाइंड सर्च जो है उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है और वो ब्लाइंड सर्च जो है वो एफिशिएंट भी नहीं है। तो इसलिए हमने इस नतीजे पर पहुँचे थे कि क्या हमें डोमेन नॉलेज जिस प्रॉब्लम पर हम सर्च कर रहे होते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में अगर हमारे पास डोमेन नॉलेज मौजूद हो और वो डोमेन नॉलेज हम अपनी सर्च स्ट्रेटजी में इस्तेमाल करें तो क्या हमें उसका फ़ायदा हो सकता है। यकीनन हमें उसका फ़ायदा हो सकता है। अब ये बात आती है कि हाँ, हम डोमेन नॉलेज अगर सर्च में अपनी सर्च स्ट्रेटजी में इस्तेमाल करें तो हमें उसका फ़ायदा होगा, लेकिन वो डोमेन नॉलेज जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल करें। In the general problem search algorithm, the only space where one could apply the knowledge is the queuing function, which is which node to expand first based on the domain knowledge. ये बात तय हो गई कि हम domain knowledge अगर हमारे पास मौजूद हो वो अपनी search strategy में इस्तेमाल करें तो कहाँ करें। आपको याद होगा कि हम search में मोस्ट प्रेफर्ड नोड्स जो हैं उन नोड्स को एक्सपेंड करते हैं। कौन सा नोड पहले एक्सपेंड करना है, कौन सा नोड बाद में एक्सपेंड करना है, ये चीज़ अगर हम अपना डोमेन नॉलेज जो है उस क्यूइंग फंक्शन में इस्तेमाल करें उन नोड्स को एक्सपेंड करने में, जो नोड्स का ऑर्डर है वो डिटर्मिन करने के लिए हम अपना डोमेन नॉलेज जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। द नॉलेज टू मेक दिस डिटर्मिनेशन इज प्रोवाइडेड बाई दी इवेल्युएशन फंक्शन। अब वो नॉलेज क्या है, उस नॉलेज को हम अप्लाई करने के लिए मॉडल करते हैं इन द शेप ऑफ ए ह्यूरिस्टिक फंक्शन। वो ह्यूरिस्टिक फंक्शन हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में अभी बात करते हैं। इस जर्नल प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एल्गोरिदम है उस एल्गोरिदम में देखिए कि हम जो नॉलेज है अपना डोमेन नॉलेज जो है या ह्यूरिस्टिक फंक्शन जिसको हमने कहा वो हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। फंक्शन बेस्ट फर्स्ट सर्च, याद रखिए कि ये जनरल सर्च एल्गोरिदम है, वो इवेल्युएशन फंक्शन को और प्रॉब्लम को एज ए पैरामीटर लेता है और रिटर्न क्या करता है, सॉल्यूशन सीक्वेंस जो है वो रिटर्न करता है। हम नॉलेज को, डोमेन नॉलेज को किस तरह से क्यूइंग फंक्शन में इस्तेमाल करते हैं इस एल्गोरिदम में हम देख रहे हैं कि ये बेस्ट फर्स्ट सर्च जो जनरल सर्च एल्गोरिदम है उसमें इवेल्युएशन फंक्शन और प्रॉब्लम को एज ए पैरामीटर पास करता है और सॉल्यूशन सीक्वेंस जो है वो रिटर्न करता है। इनपुट क्या है, प्रॉब्लम विच इज ए प्रॉब्लम, और इवेल्युएशन फंक्शन क्या है, एन इवेल्युएशन फंक्शन। क्यूइंग फंक्शन क्या है, ए फंक्शन दैट ऑर्डर्स द नोड बाई इवेल्युएशन फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि हम इवेल्युएशन फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए नोड्स को क्यू में इस तरह से लगाते हैं कि जो क्यू हमें बहुत जल्द और बहुत अच्छा रिजल्ट और एफिशिएंट रिजल्ट देने जिस जो हमें दे सके वो क्यू में पहले आएगा, जो लीस्ट एफिशिएंट हो वो बाद में आएगा। और ये हम डिटरमिन किस तरह से करते हैं, इवेल्युएशन फंक्शन से। तो वी केम टू द कंक्लूजन दैट क्यूइंग फंक्शन इज ए फंक्शन दैट ऑर्डर्स द नोड यूजिंग द इवेल्युएशन फंक्शन and returns, general search return the problem
क्यूइंग फंक्शन। अजीज तलबा, इससे हम इस नतीजे पर पहुँचे कि हम अपने डोमेन नॉलेज को इवेल्युएशन फंक्शन की शक्ल में टू मेक द क्यूइंग फंक्शन यूज़ करते हैं, जो कि हमारे नोड्स टू बी एक्सपेंडेड को ऑर्डर करता है और हमें इस तरह से जो हमारा सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन सीक्वेंस जो है वो हमें मिलती है। आइए अब हम बेस्ट फर्स्ट सर्च स्ट्रेटजी जो है उस स्ट्रेटजी की हमने पिछले प्रोग्राम में मुख्तसरन आ स्टार और ग्रीडी सर्च पर बात की थी, उसको ज़रा ज़्यादा तफसील से देखते हैं। बेस्ट फर्स्ट सर्च एम्स टू फाइंड ए लो कॉस्ट सॉल्यूशन, टिपिकली यूजेस सम एस्टिमेटेड मेजर ऑफ द कॉस्ट ऑफ द सॉल्यूशन एंड ट्राइज टू मिनिमाइज इट। वंस अगेन, द बेस्ट फर्स्ट सर्च टिपिकली यूजेस सम एस्टिमेटेड मेजर ऑफ द कॉस्ट ऑफ द सॉल्यूशन एंड ट्राइज टू मिनिमाइज इट। और जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, वी यूज टू अप्रोचेस। फर्स्ट अप्रोच tries to expand the node closest to the goal, which is greedy search. ये approach जो कि सबसे पहले उस नोड को expand करेगी जो कि गोल से करीब तरीन हो, और वो सर्च जो है वो greedy search कहलाती है। और heuristic function हमें बताएगी कि हमारे गोल से closest नोड कौन सा है, उस नोड को पहले expand करेगी और उसके बाद उससे अगला और उससे अगला। इसकी दूसरी जो सेकंड स्ट्रेटजी जो है, सेकंड अप्रोच जो है, दैट इज ट्राइज टू एक्सपेंड द नोड ऑन द लीस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन पाथ। यहां पे हम डिटरमिन करते हैं कि लीस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन पाथ क्या है, दैट इज आर स्टार। वी डिटरमिन व्हाट इज द लीस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन पाथ एंड आर सर्च प्रोग्रेसेस अलोंग दैट पाथ। आइए हम डिटेल से ग्रीडी सर्च को देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, greedy search minimizes the estimate cost to reach the goal and the node whose state is judged closest to the goal state is expanded first. yahan pe ye baat yaad rakhne ki hai, cost is estimated not actual. hum heuristic function mein jo cost use kar rahe hain wo cost estimated hai, actual nahi hai. and then function that calculates the cost estimate is called heuristic function. once again, the cost is estimated, it is not actual, and the function that calculates the cost cost estimate is called heuristic function, which is h of n equal estimated cost of the cheapest path from the state at node n to the goal state. once again, h of n, which is the heuristic function, is equal to estimated cost of the cheapest path from the state at node n to the goal state, that is h of n equal to 0. यहां पे ये बात याद रखने की है कि जहां पे आपकी heuristic function h of n जो है वो 0 हो जाएगी, वो आपकी goal state होगी। आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में हम रोमानिया की एग्जाम्पल जो है वो इस्तेमाल करते रहे हैं अपनी सर्च स्ट्रेटजीज के एग्जाम्पल में। अब हम फिर उसी रोमानिया वाली एग्जाम्पल की तरफ आते हैं और हम ये heuristic function जो है वो देखते हैं कि क्या ह्यूरिस्टिक फंक्शन हम अपनी ग्रीडी सर्च स्ट्रेटजी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मिसाल आपके सामने इस वक्त आपको नज़र आ रही है, इसमें हमारे पास जो मुख्तलिफ शहरों से, आपको याद है कि हमने एरेड से शुरू करना है अपना सफ़र और बुखारेस्ट तक पहुंचना है, तो हमें यहाँ पे मुख्तलिफ शहरों के दरमियान हमारे पास इल्म क्या है, नॉलेज क्या है, डोमेन नॉलेज क्या है। इस वक्त हमारे पास रोमानिया का मैप है और उस मैप पे मुख्तलिफ शहरों के दरमियान जो मुसाफत है, जो फासला है, वो फासला दिया गया है। और इस फासले को सामने रखते हुए, इस डोमेन नॉलेज को सामने रखते हुए, हम एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन बनाते हैं। लेट्स अज्यूम दैट स्टेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम ए सिटी टू बुखारेस्ट इज आर ह्यूरिस्टिक फंक्शन। एक दफा फिर, ये मुख्तलिफ शहरों के दरमियान जो फासला है, इस फासले को सामने रखते हुए हम एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो है वो डिटरमिन करते हैं, और हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि वो ह्यूरिस्टिक फंक्शन मुख्तलिफ शहरों से बुखारेस्ट तक का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो हमारी ह्यूरिस्टिक फंक्शन है। इस टेबल में आप देख रहे हैं कि एरेड से लेके बुखारेस्ट तक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो है
वो 366 किलोमीटर या 366 माइल्स है। बुखारस से बुखारस तक जीरो है, क्रायोवा से लेके बुखारस तक 160 किलोमीटर है, डोब्रेटा से 242 है, एफोरी से 61 है, और इसी तरह से हमारे पास मैप में जितने भी शहर दिए गए हैं उन शहरों से बुखारस तक का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो है वो इस टेबल में दिया गया है। और इस टेबल में दिया गया स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हमारे लिए ह्यूरिस्टिक फंक्शन का काम कर रहा है, और इस ह्यूरिस्टिक फंक्शन को हम अपनी सर्च में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, आइए एक डायग्राम के जरिए इसको समझते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हमारा शहर, जिस शहर से हम अपना सर्च शुरू करना चाहते हैं, दैट इज एरिड, ठीक है जी। एरिड से हम तीन मुख्तलिफ शहरों में पहुंच सकते हैं, जो कि एक सीबू है, दूसरा टिमिसोरा है और तीसरा जिरेंड है। सबसे पहले चूंकि हमारा जो इनिशियल स्टेट जो है वो एरिड है, एरिड से हमारी ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो है दैट इज 366, विच इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन एरिड एंड बुखारेस्ट। तो ऑब्वियसली हम मुख्तलिफ शहरों से होते हुए ही बुखारेस्ट पहुंचेंगे, तो तीन शहरों में, उन तीन शहरों में जहां पे हम एरिड से जा सकते हैं वो सीबू है, टिमिसोरा है या जिरेंड है। तो इनमें हम देखते हैं कि हमारी ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो है वो कम किस शहर में है। एच सीबू के लिए 253 है, टिमिसोरा के लिए 329 है और जिरेंड के लिए 374 है। तो लाजमन हम वो नोड एक्सपेंड करेंगे जिसकी ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो है वो सबसे कम है, या जिसका स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो है वो हमारी मंजिल से या हमारी गोल स्टेट विच इज़ बुखारेस्ट उससे सबसे कम है, जो कि सीबू है। तो हम सीबू वाला नोड जो है उसको एक्सपेंड करेंगे। अब सीबू से हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन से नोड जो हैं जो हम फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं। सीबू से जिन तीन शहरों में, जिन चार शहरों में हम जा सकते हैं, वो एक एरिड है, तो हम जाहिर है एरिड पे दोबारा वापस नहीं जाएंगे क्योंकि एरिड से तो हम सीबू पे आए हैं। दूसरा फगारस है, तीसरा ओरेडा है और चौथा रमिनसियो है। अब हम देखते हैं कि फगारस की जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन है 178 है, ओरेडा की ह्यूरिस्टिक फंक्शन 380 है और रमिनसियो की 193 है। तो इन तीनों में से जिसका स्ट्रेट लाइन डिफरेंस हमारी गोल स्टेट से सबसे कम है उसको हम एक्सपेंड करेंगे, और वो क्या है, वो फगारस है। तो हम फगारस वाले नोड को अब एक्सपेंड करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि फगारस से आगे हमारे पास ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो है सीबू में 178 है और बुखारस जो है वो जीरो है। तो फगारस से हम जिन दो शहरों में जा सकते हैं, एक सीबू है, तो जाहिर है हम सीबू नहीं जाएंगे क्योंकि सीबू से तो हम आ रहे हैं, बुखारस इज द ओनली सिटी वेयर वी कैन गो, और उसकी ह्यूरिस्टिक फंक्शन हम देख रहे हैं कि वो सबसे कम है। लिहाजा ग्रीडी सर्च में हमने ये देखा कि हमने एरिड से शुरू किया और उस नोड को सबसे पहले एक्सपेंड किया जिसकी ह्यूरिस्टिक फंक्शन या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस सबसे कम था, जो कि सीबू था। सीबू के बाद हमने उस नोड को एक्सपेंड किया जिसकी ह्यूरिस्टिक फंक्शन सबसे कम थी, जो कि फगारस थी। फगारस के बाद हमने उस नोड को एक्सपेंड किया जिसकी सबसे कम थी जो हमारी ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो है या स्ट्रेट लाइन डिफरेंस जो है वो फगारस से बुखारस का। हम चूंकि बुखारस पहुंच चुके हैं इसलिए इसको फर्दर एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, बुखारस इज आर गोल स्टेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीडी सर्च में हम एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन वर्कआउट करते हैं, और जिस नोड की इस पर्टिकुलर मिसाल में हमने स्ट्रेट लाइन डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट सिटीज फ्रॉम डिफरेंट सिटीज टू द बुखारस जो है उसको एज ए ह्यूरिस्टिक फंक्शन लिया, और जिस नोड की ह्यूरिस्टिक फंक्शन यानी स्ट्रेट लाइन डिफरेंस डिस्टेंस सबसे कम था उसको हम एक्सपेंड करते चले गए, हत्ता कि हम अपनी गोल स्टेट बुखारस पहुंच गए। हमने ग्रीडी सर्च के बारे में ये देखा कि ग्रीडी सर्च रिजेंबल्स द डेप्थ फर्स्ट सर्च, इट इज नॉट ऑप्टिमल,
it is incomplete as it may get on an infinite path. ये greedy search का एक problem ये है कि ये आपको किसी infinite loop में अगर डाल दे तो ये कभी भी अपनी goal state में बाज़ औक़ात नहीं पहुँच सकती, ऐसी situations अकर कर सकती हैं. Time complexity और space complexity जो है ये भी इसकी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि ये retains all the nodes in the memory. लेकिन good heuristic function can reduce space and time complexity. अब आपने देखा कि domain knowledge को इस्तेमाल करते हुए हमने heuristic function construct की और उस heuristic function को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी initial state से goal state तक पहुंच गए. मतलब ये हुआ कि अगर आप एक अच्छी heuristic function workout करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप सॉल्यूशन सीक्वेंस जो है वो ढूंढ सकते हैं इवन यूजिंग ग्रीडी सर्च. अगरचे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ग्रीडी सर्च की इतनी अच्छी नहीं है. हमने ये देखा कि ग्रीडी सर्च में हम एस्टिमेटेड कॉस्ट टू द गोल विच इज एच ऑफ एन इस्तेमाल करते हैं विच इज नॉट ऑप्टिमल विच इज नॉट कंप्लीट. आपको याद होगा कि हमने अपनी ब्लाइंड सर्च पर बात करते हुए एक स्ट्रेटजी का जिक्र किया था दैट वॉज यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च. और यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च जो है इट मिनिमाइजेस द पाथ कॉस्ट विच वाज जी ऑफ एन, बोथ ऑप्टिमल एंड कंप्लीट बट इनएफिशिएंट. आपको याद होगा कि हमने यूनिफॉर्म कॉस्ट पर बात करते हुए ये पढ़ा था कि यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च जो है इट मिनिमाइजेस द पाथ कॉस्ट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जी ऑफ एन विच इज ऑप्टिमल विच इज कंप्लीट बट इट इज इनएफिशिएंट. अब आ स्टार सर्च में हम क्या करते हैं, हम ग्रीडी सर्च और यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च दोनों को मिला देते हैं. व्हाट वी डू इन आ स्टार इज के वी यूज द गुड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रीडी सर्च विच इज यूजिंग द ह्यूरिस्टिक फंक्शन एंड यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च विच इज द कॉस्ट फंक्शन. हम उन दोनों को मिला देते हैं आ स्टार सर्च में और मिलाने के बाद जो हमारी सर्च इवॉल्व होती है वी कॉल दैट आ स्टार सर्च विच इज मोर एफिशिएंट देन ग्रीडी सर्च और यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च अलोन. आ स्टार सर्च मिनिमाइजिंग द टोटल पैथ कॉस्ट वी अचीव बाई डिवेलपिंग ए फंक्शन एफ ऑफ एन बाई एडिंग जी ऑफ एन एंड एच ऑफ एन. यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एंड ग्रीडी सर्च इन दोनों की जो यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन है यहाँ पे ह्यूरिस्टिक फंक्शन है इन दोनों को हम एफ ऑफ एन फंक्शन में विच इज एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द चीपेस्ट सॉल्यूशन थ्रू एन हम इन दोनों को मिला देते हैं एंड देन वी ट्राई टू फाइंड ए सॉल्यूशन. आ स्टार सर्च इज कंप्लीट इट इज ऑप्टिमल इफ एच इज एन एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक. एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक क्या है, एच नेवर ओवर एस्टिमेट द कॉस्ट टू रीच द गोल. ये बात यहाँ पे याद रखने की है कि एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक क्या है. एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक वो फंक्शन है जो कि कभी भी कॉस्ट टू रीच ए गोल को ओवर एस्टिमेट नहीं करती है. एग्जांपल इसकी है स्ट्रेट लाइन डिफरेंस डिस्टेंस इन रोमानिया एग्जांपल फ्रॉम एरेड टू बुखारेस्ट. आपको याद होगा कि हमने ह्यूरिस्टिक क्या कैलकुलेट की, एरिड से बुखारेस्ट जाने के लिए एच ऑफ एन हमने क्या कैलकुलेट किया था, स्ट्रेट लाइन डिफरेंस डिस्टेंस. और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ये हमें अपनी जो प्रिलिमिनरी मैथमेटिक्स है उससे भी हमें इस चीज़ का पता है कि दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है दैट इज ए स्ट्रेट लाइन. तो हमने वो ह्यूरिस्टिक फंक्शन एच ऑफ एन जो डिवेल्प की थी दैट वॉज बेस्ड ऑन द सेम फिलोसफी दैट ए स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस between any other city and our goal state will be the shortest path. As such, it was the admissible heuristics. तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ए आ स्टार सर्च जो है वो कंप्लीट है, ऑप्टिमल है इफ एच इज एन एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक एंड एच एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक मीनिंग देयर बाई दैट एच नेवर ओवर एस्टिमेट द कॉस्ट टू रीच द गोल. और एग्जाम्पल हमने रोमानिया वाली मिसाल की दी. आइए उसी रोमानिया वाली मिसाल को ही सामने रखते हुए पहले हमने रोमानिया वाली मिसाल जो थी उसको ग्रीडी सर्च के साथ सॉल्व किया. अब हम उसी मिसाल को रीचिंग फ्रॉम एरेड टू बुखारेस्ट
यूजिंग द आर स्टार सर्च जो है उसको देखते हैं. यूजिंग आर स्टार सर्च मीन यूजिंग द एफ ऑफ एन फंक्शन विच इज इक्वल टू एच ऑफ एन प्लस जी ऑफ एन. यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हम एरेड से शुरू करते हैं और हमारी यहाँ पे ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो है कॉस्ट फंक्शन 0, ह्यूरिस्टिक फंक्शन 366, हमारा आवर एफ इज 360. और हम यहाँ से शुरू करते हैं तो हमारे पास तीन चॉइसेस हैं एज यूजुअल, सीबू, टेमिसोरा और ज़रेन. और हम देखते हैं कि इसकी एफ ऑफ एन क्या है, 393 है. टेमिसोरा की एफ ऑफ एन जो है दैट इज 447 और ज़रेन की 449. तो हम कौन सा एक्सपेंड करेंगे, हम सीबू को एक्सपेंड करेंगे पहले. आइए अब देखते हैं कि सीबू से आगे हम हमारी जो है एफ ऑफ एन वो क्या है. सीबू से हम एरेड जा सकते हैं, हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो वो जगह है जहाँ से हम आए हैं, फगारस, ओरेडा और एमिनसो. नाउ वी सी कि अब फगारस की जो एफ ऑफ एन है दैट इज 417 है, ओरेडा की 526 है और एमिनसो की 413 है. तो हम कौन सा नोड अब एक्सपेंड करेंगे जिसकी एफ ऑफ एन सबसे कम है, दैट इज रेमिनसो. आपको याद होगा कि ग्रीडी सर्च में हमने फगारस को एक्सपेंड किया था क्योंकि इसकी जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन है वो सबसे कम थी. लेकिन जब हमने ह्यूरिस्टिक फंक्शन को और उसकी कॉस्ट फंक्शन को मिलाया तो ये रेमिनसो से ज़्यादा हो गई. इट मीन्स कि फगारस को एक्सपेंड करना ऑप्टिमल नहीं है, रेमिनसो को एक्सपेंड करना ऑप्टिमल है क्योंकि इसकी एफ ऑफ एन जो है दैट इज 413 जो सबसे कम है. इसको रेमिनसो को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास तीन चॉइसेस फिर आ जाते हैं. सीबू, सीबू वो पॉइंट है जहां से हम आए हैं, पेटेस्टी और कैरियोवा, क्रायोवा. अब हम ये देखते हैं कि क्रायोवा का जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन है 526 है, सॉरी क्रायोवा का जो एफ ऑफ एन है फंक्शन जो है दैट इज 526, पेटेस्टी का 415 है और सीबू का 553 है. लिहाजा हम इस वाले नोड को जो कि हमारा जिसका एफ ऑफ एन सबसे कम है इसको एक्सपेंड करेंगे और हम अपनी अल्टीमेट गोल स्टेट जो है विच इज रीचिंग द बुखारेस्ट वहां से पहुंच जाएंगे. एक दफा फिर एरेड से हमने शुरू किया, सीबू पे आए. सीबू को इसलिए हमने एक्सपेंड किया कि इसकी एफ ऑफ एन सबसे कम थी तो रेमिनसो पे पहुंचे, रेमिनसो की एफ ऑफ एन जो है इसको एक्सपेंड किया. उसके बाद हमने देखा कि जो कॉन्सिक्वेंट हमारे नोड्स हैं उनमें से किसकी एफ ऑफ एन जो है वो कम है, जो पेटेस्टी की है. एंड अल्टीमेटली हम ये वाला जो नोड है इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम अपने गोल स्टेट पर पहुंच जाएंगे. हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर आप अपने मैप को देखेंगे और एरेड से लेके बुखारस तक आप मैप पे जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंट हमने एल्गोरिदम आर स्टार और ग्रीडी सर्च जो है उस पे जो पैथ हैं उन पे कैलकुलेट करेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि यूजिंग द आर स्टार सर्च वी रीच फ्रॉम आर इनिशियल स्टेट टू द गोल स्टेट, फ्रॉम द एरिड सिटी टू द बुखारेस्ट सिटी हम एफिशिएंटली पहुंच जाएंगे. हमें थोड़ा फासला तय करना पड़ेगा. ग्रीडी सर्च यूज करते हुए भी हम एरिड से बुखारस पहुंच जाएंगे लेकिन हमें लंबा रास्ता जो है वो तय करना पड़ेगा. इससे हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि ग्रीडी सर्च से आर स्टार सर्च जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है. अब हमारे सामने सवाल ये पैदा होता है कि हम एक अच्छी ह्यूरिस्टिक सर्च फंक्शन जो है वो किस तरह से डेवलप कर सकते हैं. ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है और बहुत ही अहम काम है कि हम ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो है वो किस तरह से हम एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो है वो डेवलप कर सकते हैं. आइए देखते हैं. हम एट पजल वाली मिसाल जो है दोबारा आपके सामने लाएंगे जिससे हम इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि हम किस तरह से उससे हम ये देखेंगे, इस मिसाल को सामने रखते हुए हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम एक अच्छी ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो है वो बिल्ड कर सकते हैं. ये एट वाली पजल जो है इसमें आप देख रहे हैं, एट पजल में हमारे पास ये नौ ब्लॉक्स हैं या नौ टाइल्स हैं विच आर नंबर्ड एज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और नाइन्थ टाइल जो है दैट इज ब्लैंक. जो नाइन्थ खाना है वो ब्लैंक है
और ये रैंडमली ऑर्डर हैं। आप देखें वन टाइल वन जो है वो सेंटर में है, टू इधर है, थ्री इधर है, फोर इधर है, फाइव इधर है, सिक्स इधर है, सेवन इधर है और एट इधर है। हम फर्ज करते हैं कि ये हमारी स्टार्ट स्टेट जो है वो इस तरह से है और टाइलें इस तरह से पड़ी हुई हैं। नाउ व्हाट वी वांट टू अचीव इज आर गोल स्टेट इन विच द टाइल्स आर अरेंज्ड इन दिस फैशन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ये उस आपका जो स्क्वायर है, जो एरिया जो है उसकी पेरिफरी पे ये टाइलें जो हैं एक सीक्वेंस में रखी हुई हैं और दरमियान वाली टाइल जो है वो खाली है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम इस स्टार्ट स्टेट से, इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट में हमने जाना है। हमारे सामने इशू क्या है कि हमने एक अच्छी ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो है वो बनानी है, एक अच्छी ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो है वो कैलकुलेट करनी है। इस एट पजल में जो जनरल जो चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं वो ये हैं। एट पजल इज जस्ट द राइट लेवल ऑफ डिफिकल्टी टू बी इंटरेस्टिंग, कि हम जो चूंकि ये मिसाल इसलिए दे रहे हैं कि हम उससे आसानी से एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो है वो कैलकुलेट कर सकें। इसका एक जर्नल और टिपिकल सॉल्यूशन इज अबाउट 20 स्टेप्स, द ब्रांचिंग फैक्टर इज अबाउट 3, व्हेन द एम्प्टी टाइल इज इन द मिडल। उससे आप ये देख लें कि ब्रांचिंग फैक्टर 3 क्यों है, कि जब आपकी खाली टाइल जो है वो दरमियान में है, देर आर 4 पॉसिबल मूव्स, व्हेन इट इज इन द कॉर्नर देर आर 2, एंड व्हेन इट इज अलोंग एन एज देर आर 3। मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि ये टाइल्स वाली मिसाल जो है इसको आप एक बोर्ड पे अपने सामने बना लें और देखें कि आपको जो आपकी जो एम्प्टी टाइल है उसको आप जब मूव करते हैं अपनी इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट पे लाने के लिए, तो तकरीबन 20 स्टेप्स में आप इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक पहुँच सकेंगे। और पॉसिबल मूव्स जो हैं आपकी, इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी एम्प्टी टाइल कहाँ पे है, 3 मूव हो सकती हैं, 2 मूव हो सकती हैं, 4 मूव्स हो सकती हैं। ये आप ट्राई कीजिए और देखिए कि वेदर वी आर करेक्ट इन मेकिंग दिस अजम्पशन।